उद्यमी योजना का नया ग्रुप व्हाट्सएप पे बना दिया गया है। आप जो इंटरेस्टेड लोग हैं, अगर चाहते हैं कि उद्यमी योजना का अपडेट ओनली फॉर उद्यमी योजना बिहार स्टार्टअप पॉलिसी और PMEGP लोन के लिए आपको जानकारी मिले, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर एक डेट है आपका 15 जनवरी 2023। तो आज तीन डेट मैं आपको लेकर के आया हूँ जो बहुत सारा लोगों का कन्फ्यूजन है। एक है 16 जनवरी 2023, एक 15 जनवरी 2023 और 31 जनवरी 2023। यानी 16 जनवरी 2023 कैची के लिए है और 15 जनवरी 2023 किस लिए है और 31 जनवरी 2023 किस लिए है। आपको बता दें, जो सबसे पहले मैं 15 जनवरी 2023 की मैं बात करूं, तो 15 जनवरी 2023 है उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम तिथि है, यानी द्वितीय किस्त के लिए है। तो द्वितीय किस्त के लिए दो डेट है, एक है 31 जनवरी 2023 जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले था, लेकिन अब उसको हटा करके अब यही 31 जनवरी जो 2023 है उसको अब 15 जनवरी 2023 कर दिया गया है। तो मेन टारगेट लेकर के आपको चलना है 15 जनवरी 2023 तक द्वितीय किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र हर हाल में आपको अपलोड कर देना है। 15 जनवरी 2023 तक द्वितीय किस्त के लिए है ये। हाँ, ये 15 जनवरी 2023 है जो द्वितीय किस्त के लिए, जो 2021 वाले के लिए, पिछले साल वाले के लिए है 15 जनवरी 2023। और 31 जनवरी 2023 क्या है, तो ये भी है, इसमें आप देखेंगे स्क्रीनशॉट में आपको डाल दूंगा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का अग्रिम तिथि करके दिया हुआ था, लास्ट डेट दिया हुआ था 31 जनवरी 2023, ये सेकेंड किस्त के लिए ही था। तो इसको कमा करके अब 15 जनवरी 2023 कर दिया है। अब ये टारगेट आपका रखा गया है 15 जनवरी 2023 का, ये डेट आपका 31 जनवरी था, इसको बढ़ भी सकता है, लेकिन ये टारगेट लेकर के चलना है। तो द्वितीय किस्त के लिए अगर आपने मान लेते हैं आपको पहला किस्त मिल गया है, तो द्वितीय किस्त के लिए आपको 15 जनवरी 2023 तक ले आपको देना है। तो ये 2021 वाले के लिए है। अब जो 2022 से 23 सेशन वाले के लिए जिनका जो फाइनल इसमें नाम है, उनको हो गया कि फर्म के नाम से करेंट अकाउंट अपलोड करना है, ये तिथि दिया गया है 16 जनवरी 2023 तक दिया गया है। हालांकि अभी कोई अपडेट नहीं है, जब अपडेट आएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक दिया जाएगा, ऑफिशियली आपको खुद से अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड में आपको मिलनी जो दिया गया है कि फर्म के नाम से करेंट अकाउंट होना चाहिए। करेंट अकाउंट के लिए की बात जब चल गई है, तो मैं एक बात कहूं कि करेंट अकाउंट आपको चाहिए, इसमें GST मैंडेटरी नहीं है। अगर आप GST नहीं बनवाना चाहें तो GST नहीं भी बनवा सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट आपको खुलवाने के लिए GST बैंक मैनेजर GST डिमांड करेगा, तो GST आपको बनवाना पड़ेगा। GST बनाने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका GST बनेगा। इसके लिए टेलीग्राम पे मैंने लिंक जारी कर दिया है और सारा कुछ आपको GST से रिलेटेड जितने सारे कन्फ्यूजन है वो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर जाना है। टेलीग्राम पर मैंने लिंक डाल दिया है, या तो #new GST करके आप टाइप करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा बात न करते हुए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन GST कैसे अप्लाई किया जाता है उसके लिए। हालांकि GST मैंडेटरी नहीं है, अगर करेंट अकाउंट बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करके कोई भी करेंट अकाउंट होना चाहिए, विदाउट आप GST भी करेंट अकाउंट आप खुलवा लेते हैं, तो ओनली फॉर करेंट अकाउंट का ही आवश्यकता पड़ेगा। तो ये 16 जनवरी 2023 जो डेट दिया गया है, ये 2022 से 23 सेशन में जिनका फाइनल इसमें नाम है, उनको फर्म के नाम से करेंट अकाउंट, निवास हो गया, शेड का फोटो, यानी जहाँ पे बिजनेस है वो बिजनेस का फोटो आपका, वहाँ स्थल का जो निवास प्रमाण पत्र है उसी से काम आपका चल जाएगा। इसमें जमीन किसके नाम से नहीं है उससे कोई मायने मतलब नहीं है, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके जिला में ही हो सकता है। और असर परिवर्तन के लिए आप पहला किसके लेने से पहले आप कभी भी ट्रेड चेंज और असर परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 15 जनवरी 2023 से आपका द्वितीय किस्त के लिए जो उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का तिथि दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और अभी 16 जनवरी 2023 से तक के लिए
आपको डेट है, ये हो सकता है आगे पाछे हो भी, लेकिन फिलहाल अभी 16 जनवरी 2023 जो आप देख सकते हैं ट्वीट किया गया है संदीप पांडी के द्वारा, तो 16 जनवरी 2023 ये न्यू सेशन में जिनका फाइनलिस्ट में नाम है उनके लिए है 16 जनवरी 2023। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए बीएसटी टाइप करना है, बीएसटी ऑल टिप्स टाइप करना है, बीएसटी एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है। साथियों, एक बात मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिससे व्हाट्सएप नंबर चलाया जाता है उस पर कॉल और मैसेज नहीं करना है, प्लीज़ ये सब बंद कीजिए। अब ये कि हम अकेले हम कैसे करेंगे भाई, पर्सनली सभी को वैसे व्हाट्सएप और पर्सनली बात करना मेरे बस की बात नहीं है। एक ही आदमी कैसे कंटेंट लाएगा, एक ही आदमी सारा वीडियो एडिटिंग करेगा, जब कोई हद पार कर जाता है कि लोग कॉल भी करने लगते हैं, भाई इतना इतना लोगों का मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। वीडियो पहले देखिए तब पूछिए, वीडियो देखने के बाद हमको नहीं लगता कि आपको कुछ पूछने का जरूरत पड़ेगा। अब बताइए ना, वीडियो एडिटिंग होता रहता है, वो सेटिंग में लगा हुआ है, कॉल कर देता है वो कट जाता है और टाइम लगे।